हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं इंगल फार्म एडिलेड हरविन एंड इनायत दोनों खेल रहे हैं। नौ ध्यान से, इनायत ध्यान से, गिर ना जाए वो। देखो गाइस, अभी तो बंद होने को आ गया है, रात के बज गए हैं अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 7:30-8 हो गए होंगे। तो आप देख रहे हो मॉल ये वाला ऑलमोस्ट बंद ही है, सिर्फ 2-3 ही खुले हैं। सबवे खुला है, वॉकिना बॉक्स खुला है, और अगर हम उधर की बात करें, इधर की साइड भी चेक करो, ये सारा क्लोज है। और उधर खुले हुए हैं जैसे कोल्स, के मार्ट, ये रात के 9 बजे तक ओपन होते हैं। ये देखिए, ये जो एरिया है बच्चों का प्ले एरिया, ये अभी तक ओपन है। ऑब्वियस ही बात है, ये ओपन ही होगा। तो ये बेस्ट पार्ट रहता है तकरीबन, अगर आप कहीं पर जाते हो मॉल में तो आपको ये एरियाज काफ़ी मिलेंगे, हर एक मॉल में तकरीबन मिलेंगे। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं, साथ में खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी तरह दिखाओ ना। नायत बी केयरफुल। हेलो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हम अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में कैसे बुला सकते हैं। हर एक बच्चे का यही सपना होता है और माँ बाप का भी यही सपना होता है कि बच्चे उसके साथ में रहें, लेकिन मजबूरियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि अलग होना पड़ता है धरती से अपनी। जैसे मैं भी अपने पेरेंट्स को इंडिया में ही है मेरे पेरेंट्स, तो कोशिश यही रहती है कि हम उनके पास रहें, हम खुद चले जाएं इंडिया या उनको बुला लें। आज का जो मुद्दा है वो यही है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमने अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो वो कैसे बुला सकते हैं। गाइस देखो, गाइस मैं कोई आज की डेट में इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर बन जाऊँगा अगर आपका आशीर्वाद रहा। कॉमेंट ज़रूर करना कि क्या मुझे इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन जाना चाहिए। इमिग्रेशन कंसल्टेंट होता क्या है, कई लोगों को नहीं पता होगा, जो वीज़े वगैरह लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर मारा एजेंट कहते हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे बनना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अभी भी इंडिया में ना देखा गया है कि राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। मुझे कई मैसेज करते हैं कि भाई मुझे ये बताओ, बट मैं मारा एजेंट नहीं हूँ, उसकी वजह से मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। नीचे कॉमेंट ज़रूर करिए कि मुझे मारा एजेंट बन जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। और जो बंदे ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने को, माइग्रेट होने को तरस रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपको क्या लगता है, नीचे ज़रूर कमेंट करना ताकि मुझे पता लगे कि कितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। देखो भाई, ऐसा है, सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर टूरिस्ट वीज़े के ऊपर बुला सकते हैं। रीज़न क्या है, उनका दिल लगेगा या नहीं लगेगा ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर मजबूरी में रहेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपने आप भी लगा कर देखो, अपने ऊपर भी लगा कर देखो, अगर आपको कोई मजबूरी में यहाँ कहाँ पर रखता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। मजबूरी में तो किसी को नहीं रखना चाहिए। मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया था टूरी वीज़े के ऊपर, उनको यहाँ का माहौल दिखाया, क्योंकि यहाँ पर ना सोशल लाइफ थोड़ी सी कम रहती है। सीज़न होता है एक तरह का, सीज़न कैसे कि जब सभी के पेरेंट्स उस 3-4 महीने में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जब मौसम अच्छा होता है तब ज़्यादातर पेरेंट्स आते हैं, या किसी को ज़रूरत पड़ती है तब पेरेंट्स आते हैं। और उनका अगर दिल लग जाता है, उनका अगर फ्रेंड सर्कल बन जाता है यहाँ पर, उनका रहना बहुत ईजी हो जाएगा। वरना कई बार ना मजबूरी बन जाता है, बंदा सोचता है कि पूरा लाइफ हम वहाँ पर रहे हैं इंडिया में, अब मुझे यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मतलब डिपेंड करता है, मजबूरी बनना होता है कि खुशी खुशी रह रहे हैं, हर एक का अपना अपना। आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आप एक मारा एजेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएगा कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को लंबे समय तक रख सकते। डिपेंड करता है कि आप अपने पेरेंट्स को टेम्परेरी लंबे समय तक रखना चाहते हैं या परमानेंटली। अगर टेम्परेरी रखना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा आप ज़्यादा लगवा दीजिए, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। आप देखो सबवे में अभी तक रश है काफ़ी। अब अगर तो आप टेम्परेरी रखना चाहते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, और अगर आप परमानेंटली रखना चाहते हैं तो काफ़ी तरह के वीज़ेज़ आते हैं जो जिनकी लंबी प्रोसेसिंग टाइम रहता है, या कईयों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। याद रखना, मुझे याद है एक वीज़ा है, मुझे उस वीज़े का नाम नहीं है पता, वो आप एजेंट से पूछ सकते हो। उसके लिए
अगर आपने परमानेंटली अप्लाई करना है अपने पेरेंट्स को यहाँ पर, तो एक जाने का अप्रोक्सीमेटली $48,000 लगता है। तो आप खुद हिसाब लगा लो, दो जाने को बुलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 खर्चा आएगा, बाकी उसका अलग ही, तो सरकारी फीस है। तो उस हिसाब से आप देख सकते, अब डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर आप ये पैसे खर्च के बुलाते हो तो मे बी शायद उनकी PR जल्दी आ जाए, और उनको यहाँ पर एक एज लिमिट भी होती है कि अगर आप बुलाना चाहते हो तो उनकी एक एज हो, मतलब ये सारे वीज़ेस हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, हम बुला सकते हैं। बल्कि कनाडा में इतने पैसे लगते नहीं हैं, पता नहीं वो सुपर वीज़ा वगैरह लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अगर अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो तो आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं काफ़ी। तो इसके डर से कई बंदे नहीं बुलाते हैं, टेम्परेरी ही बुलाते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं, फिर वीज़ा आके बढ़ा लेते हैं, इसी तरह से चलता रहता है। बाकी डिपेंड करता है, जब हाथ लगेगा, पैसे बनेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर भी बुला सकते हो। और ऑप्शन तो है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है। सीज़न लेने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि आप कहीं ज़्यादा बिजी तो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो है वो बहुत बिजी रहती है। 9 से 5 काम, 8 घंटे तो मिनिमम लोग काम करते ही हैं। ये ना हो कि घर में पेरेंट्स हो जाएं और आप उनको टाइम ना दे पाओ और बाद में मुश्किल हो जाए। देखो, पेरेंट्स ने तो कुछ कहना नहीं है, बट हमें सोचना पड़ता है ये सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप फुल फैमिली मतलब रहना चाहते हो, कोई ना कोई घर पे हो, बच्चे हो, देखो बच्चे अकेले भी इस उम्र में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो कैसे संभाल पाएंगे। चलो वो तो आप अपने अपने घर का होता है सारा, तो ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप पेरेंट्स को लेके आ सकते हो, सारा सिनेरियो मैंने बता दिया है। इसके अलावा कोई और डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट कर दो, अगली वीडियो में हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय, और हम भी इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ।